304 लगाए इन्होंने बिल्डर के ऊपर, लेकिन उस बिल्डर के पीछे भी कौन सा बिल्डर है, किन्होंने पहाड़ खोदा, किन्होंने जमीन बेचा, उसके ऊपर क्यों नहीं गुना दाखिल कर रहे? सिर्फ 7-12 पे जिसका नाम है एक लेडीज का, उसके ऊपर दाखिल किए, बाकी बीच के कड़ी वो कहां है? और ये अधिकारी कहां है? अधिकारी ऊपर क्यों नहीं दाखिल किए गुना दाखिल? सुभाष यादव पे गुना दाखिल होना चाहिए, विजय नड़गे पे होना चाहिए, कौतुस तामूरे पे होना चाहिए गुना दाखिल, तहसीलदार मैडम पे होना चाहिए। तहसीलदार मैडम क्या सोई है? तालुका की मालिक हुए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जुड़ी हुई है सुख के हादसे से। परसों जो वर्सई में हादसा हुआ 13 तारीख को, और एक घर के ऊपर पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा, भूस्खलन हुआ, जिससे 2 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग जख्मी हुए। उन 2 लोगों की मौत में प्रशासन दबाव में प्रशासन ने गुनाह दाखिल किया। मैं दबाव शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर तरफ से यह मांग उठी थी कि इसमें गुनाह दाखिल होना चाहिए, फिर चाहे पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्होंने ये मांग उठाई थी। उस दबाव में आकर प्रशासन ने 2 गुनाह दाखिल किए, लेकिन वो गुनाह दाखिल कर भी प्रशासन ने क्या जिनकी मौत हुई है, मृतक है, उनके साथ में मजाक किया है, क्या मौत का मजाक उड़ाया है, यह मेरा सवाल है। यह मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें जो 2 गुना दाखिल हुआ, मैंने जैसे आपको बताया, पहला गुना दाखिल हुआ उसमें गुना क्रमांक है वाली पुलिस स्टेशन का 684। इस गुना में एक कलम 304 लगाई गई है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगी है। ये कलम जब कभी किसी की हत्या करने की नियत नहीं हो, लेकिन अगर किसी की मौत किसी कारण से होती है, तो उस पर यह उपलब्ध होती है, इसको गैर इरादतन हत्या भी कहा जाता है। तो गैर इरादतन हत्या का कलम लगाया है। उसके बाद में इसी में महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की 52, 53, 54, ये 3 कलम लगाई गई है। इसको अगर शॉर्ट में, इसका प्रचलित नाम है MRTP एक्ट। अब इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, आरोपी में पहले आरोपी श्रीमती मेरी फेलिक्स ग्रेसियस, दूसरा आरोपी अजीत राय सिंह उर्फ मंटू सिंह, तीसरा एक आरोपी है जो नामजद नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी FIR है उसमें सिर्फ MRTP एक्ट के तहत 52, 53, 54 कलम लगाई गई है। उसमें भी पहले आरोपी श्रीमती मेरी फेलिक्स ग्रेसियस, दूसरा आरोपी शैलेंद्र निषाद, तीसरा आरोपी रत्नेश डी पांडे और चौथा आरोपी अनिल कुमार दुबे, इस तरह से 4 आरोपी उसमें बनाया गया। यानी कि कुल मिलाकर 2 गुना दाखिल हुए, 2 गुना में 6 लोगों को नामजद किया गया, एक जो व्यक्ति है उसको उसका नाम नहीं है, ऐसे 7 लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ। जो सामने अपडेट आई है उसके हिसाब से यह भी पता चला है कि इसमें अजय सिंह जो है मंटू सिंह, उसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या प्रशासन ने मजाक किया, तो ये शब्द मेरे क्यों इतने भारी शब्द इस्तेमाल किए, उसके पीछे आपको कारण बताना चाहूंगा। उसके पीछे कारण ये है कि इस मामले में ये लोग तो जिम्मेदार है ही और इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, लेकिन प्रशासन ने दबाव में सिर्फ इनके ऊपर गुना दाखिल किया। प्रशासन को जो इनके लिए जितने ये जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार, फिर चाहे तहसील कर्मी हो, चाहे मनपा कर्मी हो, चाहे वन विभाग हो, अगर उसमें से जो भी इसमें शामिल था, मैं ये नहीं कहता हूं कि वन विभाग था ही या तहसील था ही या महानगर पालिका था ही, जो भी जिसके भी हद में ये आता है, उनके ऊपर वो कलम क्यों नहीं लगाई गई? आपने थोड़े ही दिनों पहले देखा था कि वसई में पापड़ी में एक हादसा हुआ था, एक गेट एक बच्ची के ऊपर गिरा था पापड़ी तालाब में, और वहां उस बच्ची की मौत हुई थी, तब एक इंजीनियर के ऊपर यही 304 का कलम का गुना दाखिल हुआ था, यहां फिर क्यों बचाया गया? अब यहां इस गुना में जो जिन्होंने गुना के लिए फरियाद दी, वो फरियाद देने वाली वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी की सहायक आयुक्त नीलम निजाई, उन्होंने फरियाद दी। अब सवाल यह है कि जो आरोपी होना चाहिए था वो फरियादी है, नीलम निजाई खुद इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अभी नीलम निजाई को हम थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि नीलम निजाई अभी फिलहाल हाल फिलहाल में वहां पर पदस्थ हुई है। लेकिन इसके पहले के सहायक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य का GRB है कि अगर जब कहीं अनाधिकृत बांध काम होता है तो उस पर उसके लिए कार्यवाही नहीं करने के लिए डायरेक्ट
एएमसी जो है प्रभाग का सहायक आयुक्त है वो जिम्मेदार है, तो इसके पहले के सहायक आयुक्त जिम्मेदार है। उसके बाद में सबसे बड़े इन पूरे मामलों का सबसे बड़े जो हीरो कहा जाएंगे वो हीरो है प्रभाग के जूनियर इंजीनियर जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, कौस्तुभ तमोरे, हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, और विजय नड़गे अतिक्रमण अधिकारी, इनको क्यों बख्शा गया, इनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं हुई, ये भी उतने ही जिम्मेदार है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब अवैध बांध काम हो रहा था तब उसको रोका जाए? बात महसूल डिपार्टमेंट की करें तो महसूल डिपार्टमेंट तो आप सभी जानते हैं कि कितना करप्ट है। अभी महसूल डिपार्टमेंट के दो बड़े अधिकारी पिछले कई दिनों से एसीबी की गिरफ्त में है, जिनकी हिरासत अवधि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज उनका कुछ फैसला आने वाला है कि उनकी जमानत होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर मेरा फिर से सवाल वही है कि प्रशासन ने इन लोगों को क्यों छोड़ा? और इसी मामले पर वसई के सामाजिक कार्यकर्ता किशन देव गुप्ता, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बयान जारी करते कुछ ऐसे ही सवाल उठाए। वीडियो में आप देखिए आगे किशन देव गुप्ता का वो बयान। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। किशन भाई क्या कहेंगे कल के हादसे के बारे में? सबसे पहले नमस्कार। इसमें जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, दुखद है निशब्द देश के लिए, लेकिन इस हादसे के लिए जवाबदार भी शासन प्रशासन है। अभी जो मुझे जानकारी मिली है जो ये अमित सिंह के हादसा हुआ है वो मार्च में फरवरी महीने में वो घर बनाया गया था, तो उस टाइम में यहाँ पे प्रभाग समिति जी के सहायक आयुक्त सुभाष जाधव थे। तो क्या सुभाष जाधव 304 के गुना के हकदार नहीं है? उन्होंने क्राइम नहीं किए हैं? अतिक्रमण अधिकारी विजय नड़गे, इंजीनियर तामोरे, क्या इन लोग उसके जवाबदार नहीं है? क्या शासन को नहीं दिखता है? उसके बाद जो तहसीलदार यहाँ पे हैं वो तहसीलदार भी उसके जवाबदार हैं, मंडल अधिकारी जवाबदार है, फॉरेस्ट भी जवाबदार है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जब हादसा होने के बाद महानगर पालिका शासन प्रशासन वहां पे पहुंची है, वहां से वो 40 से 50 फीट तोड़ रहे जो पहाड़ से नजदीक है वहां से, तो शासन प्रशासन पहले कहां था? तब इनको कायदा लागू नहीं था क्या? तब इनको नहीं करना चाहिए था? अगर शायद वो करते पहले तो ये हादसा नहीं होता। तो इसके लिए सब जो जवाबदार है वो सहायक आयुक्त है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र शासन की जीआर है 2009 का, वो जीआर है मनु कुमार श्रीवास्तव जी का है, उस समय वो सचिव टू नगर विकास मंत्रालय में थे, आज वो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी हैं। उस जीआर में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर अनलीगल बांधकाम होता है तो उसके जवाबदार सहायक आयुक्त इंजीनियर अतिक्रमण अधिकारी ये है। देखिए स्पष्ट जीआर में लिखा हुआ है, अगर इस जीआर का ये लोग पालन करते तो शायद हादसा नहीं होता। और दूसरी बात, हमने कई बार मांग भी की है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, जीआर के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो ये लोग कार्रवाई नहीं करते, गोल मोटर घुमाते रहते। अगर ये कार्रवाई करते, अगर प्रॉपर किसी को एक के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो दूसरे अधिकारी इतने मुंह जोर नहीं होंगे कि ऐसे बड़े बड़े हादसे को बसी में हमारे निमंत्रण देंगे। लेकिन फिर भी ये ऊपर के जो अधिकारी कार्रवाई करते हैं, नीचे के अधिकारी मुंह जोर बने हुए हैं। आज जो उनका हादसा हुआ अमित शाह का, उसका अमित सिंह का, उनका तो पूरा संसार उजड़ गया। बेटी, मासूम बेटी और पिता दोनों साथ में एक्सपायर हो गए। उनकी बीबी और उनके बच्चे लड़के आज भी आईसीएस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो क्यों ना 304 लगाए इन लोगों ने बिल्डर के ऊपर, लेकिन उस बिल्डर के पीछे भी कौन सा बिल्डर है? किन्होंने पहाड़ खोदा, किन्होंने जमीन बेचा, उसके ऊपर क्यों नहीं गुना दाखिल कर रहे? सिर्फ 712 पे जिसका नाम है एक लेडीज का, उसके ऊपर दाखिल किए, बाकी बीच के कड़ी वो कहां है? और ये अधिकारी कहां है? अधिकारी ऊपर क्यों नहीं दाखिल किए गुना दाखिल? सुभाष जाधव पे गुना दाखिल होना चाहिए, विजय नड़गे पे होना चाहिए, कौतुस तामोरे पे होना चाहिए गुना दाखिल, तहसीलदार मैडम पे होना चाहिए। तहसीलदार मैडम क्या सोई है? तालुका की मालिक हुए, उनको ही मालूम कि पहाड़ कहां खोद रहे, हमने इनको कितना रॉयल्टी निकालने के लिए, मिट्टी निकालने का परमिशन दिया, आज वो कितने ब्रास निकाल लिए हैं, एक भी मैडम सोई हुई है। तो इसमें आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो है प्रशासन मामला दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा आपको क्यों महसूस होता है? प्रशासन मामला दबाने की कोशिश, जो एफआईआर जो दाखिल हुए वो अभी तक मंटू सिंह और अदर इन लोगों के ऊपर हुए, 4-5 लोगों के ऊपर, लेकिन शासन प्रशासन भी क्यों नहीं गुना दाखिल हुआ? जैसा वो हादसे में हुआ, पापड़ी तालाब के हादसे में हुआ, इंजीनियर को गुना दाखिल हुआ 304 का, तो यहाँ पे क्यों नहीं दाखिल हुआ सहायक आयुक्त के ऊपर? जबकि महाराष्ट्र शासन का जीआर बोलता है कि अवैध बांधकाम का जवाबदार सहायक आयुक्त है, अतिक्रमण अधिकारी है, इंजीनियर है। तो ये लोग अधिकारी यहाँ के कमिश्नर, बीबीएमसी कमिश्नर अनिल पवार साहब जीआर का क्यों नहीं पालन करते?
कानून का क्यों नहीं पालन करते? अगर ये कानून का डंडा इनके ऊपर चला भी तो ये सब हादसे हुए नहीं, अनलीगल बांधकाम हुए नहीं और हादसे नहीं हुए। एक सवाल ये है कि आपने कुछ स्कूल को लेकर भी अनाधिकृत बांधकाम स्कूल को लेकर काफी पाठ प्रवाह किया, उसमें आज क्या परिस्थिति है? आज ये परिस्थिति है कि माननीय हाईकोर्ट मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि चार हफ्ते के अंदर स्कूल के बाहर कायम के लिए ये बोर्ड लगाओ, महानगर पालिका को आदेश दिया है कि ये बे स्कूल अनलीगल है, इसके अंदर बच्चों को एडमिशन न दिया जाए, ऐसा करके उन्होंने हाईकोर्ट को ऑर्डर है और प्लस उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश है। अब ये देखना है कि ये लोग कार्रवाई करते हैं बोर्ड लगाते कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस्ती तालुके में बहुत से हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ वो ऑर्डर आके वैसे दबके पड़ी है, और इसे सरासर जवाबदार महानगर पालिका है। ज्ञानोदय विद्यालय जो है आज जर्जर विद्यालय, उसके अंदर 5 से 6 हजार बच्चे है, अनलीगल 4 महले की बिल्डिंग बनी हुई है। अब उस बिल्डिंग को जाके देखेगा, वहां से अगर वो जाते हैं, अगर बड़े डंपर वगैरह जाते हैं वहां पे स्पीड ब्रेकर है तो बिल्डिंग हिलती है, जर्जर इमारत है। कल को अगर हादसा हो उसका जवाबदार कौन आएगा? क्या बीबीएमसी के कमिश्नर अनिल कुमार पवार होंगे? इन लोगों को कार्रवाई नहीं करते इन लोग, आपकी क्या मांग? हमारी मांग कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। जर्जर इमारत है, 5 हजार बच्चे हैं, उनके उनके भविष्य अंधकार में है, उसका जवाबदार कौन? कल को अगर हादसा हुआ, आज आप देख रहे कि महाराष्ट्र पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में कई जगह भूस्खलन हो रहे, घर गिर रहे, कल को अगर वो भी गिरा इस हादसे में, खुदा ना करता गिर गया, तो उसके जवाबदार कौन? अनिल कुमार पवार होंगे क्या उसके जवाबदार? बीबीएमसी कमिश्नर? अच्छा, अभी इस मामले में महानगर पालिका ने 2 MRTP गुना दाखिल किए, ऐसी और कई सैकड़ों हजारों चाल वहां पे उस जगह पे आज है, तो उनके ऊपर क्यों MRTP नहीं लगा? इसका इसके पीछे क्या? इसके पीछे सहायक है, क्योंकि डाटा उनके पास है, क्योंकि जब अनलीगल काम होते हैं तो उनके पास पूरा डाटा है कि कितने रूम बन रहे हैं, कितने गाले बन रहे हैं, उनके कितने सिस्टम है, क्या उनके पास डाटा है, तो भी कार्रवाई के लिए क्यों डाटा नहीं है उनके पास? आज जो बारिश के मौसम में ये हादसा हुआ, फिर बाजू के जो घरों को खाली करा के उनको आश्रम में रखा गया है, गरीब लोगों को, उनके घर तोड़े गए, तो ये काम पहले क्यों नहीं कर लिए? जब बनाते हैं तभी क्यों नहीं तोड़ते? तो बनने क्यों देते हो? फिर बनने के बाद गरीब खरीद लेता तब आकर के आप तोड़ते हो, ये कहां का न्याय है? FIR में एक अज्ञात व्यक्ति का जिक्र है जिसने पेपर नाम चेंज करवाया था, यानी कि जाहिर सी बात है कि घर पट्टी जो लगती है उसमें उसने मध्यस्थता की होगी, बिचौलिया रहा होगा, तो इनके पास में घर पट्टी भी आती है, घर पट्टी भी जारी कर दी जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती और इस तरह के हालात हादसे होते हैं। देखिए, बस्ती प्लान में ऐसा है कि घर पट्टी लग जाता है, मीटर लग जाते हैं, सब हो जाते हैं, और बेचारे जो आते हैं गरीब तबके के लोग, फेरी वाले, रिक्शे वाले, पान वाले, यही लोग घर लेते हैं, उनको पैसे का अभाव होता है, उसे बेचारे सस्ते में घर लेते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि एक जगह कैसी है, क्या है, किस जगह पे घर बना हुआ, लीगल है, अनलीगल है, उनको समझ में आता है कि घर पट्टी लगी हुई है और ये मीटर लगा हुआ है, तो वो सब सोचते हैं कि मेरा घर है, इनको ये नहीं पता है कि घर आपका है, आपको बिल्डर ने बेचा, लेकिन अनलीगल है, कभी भी इसके ऊपर जेसीबी चल सकती है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।